आज का दिन हो सकता है कि इंटरेस्टिंग हो, चलो शूट करते हैं। अगर दिन एक्चुअली में इंटरेस्टिंग हुआ तो ब्लॉग बना के एडिट करके डाल देंगे। आज का होने वाला टूर अपना इस ब्यूटीफुल डेक पे। एकदम हल्की सी हवा है, इसको बोलते हैं प्रिटी मच सी लाइक अ मिरर। सी लाइक अ मिरर तो नहीं है, रिपल्स हैं, वी कैन सी रिपल्स, बट बहुत अच्छा है। ऐसा तो लग रहा है यार, वर्ल्ड इज एंडलेस। ऐसा लग रहा है कि हम बस ऐसे जाते रहेंगे, कभी कुछ आएगा ही नहीं। ओके, सो डेक टूर। तो एक एक चीजों को पहले तो मुझे इस पे मार्क कर लेने दो। बूम, यस। अभी आप देखेंगे तो आगे से है हमारा फोक्सल डेक, वहाँ पे हमारे दो एंकर हैं, फिर उसके पीछे हमारे मतलब डेक के मेन डेक के नीचे वन विंग टैंक, टू विंग, थ्री विंग, फोर विंग, ये मिडशिप स्टोर तक आते आते हमारा ऑलमोस्ट फोर विंग, फाइव विंग, सिक्स विंग, और यहाँ नीचे स्लॉप विंग टैंक्स है। तो अभी मेरे शिप पे काम तो यही चल रहा है कि इन टैंक्स की सफाई चल रही है ओपन सी में, और गैस फ्री है टैंक्स। अगर आप लोगों ने मेरा कार्गो टैंक कॉम्प्रिहेंसिव अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही बेटर समझ में आएगा। और ऐसा नहीं होगा कि वो मेरा जो बैलेंस टैंक का वीडियो डाल दिया, काफी लोगों ने कमेंट कर दिया कि यार हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं कितना बेसिक्स तक लेके जाऊं। एक तो आप ध्यान से देखते भी नहीं हो, स्किप मार के देखते हो, 20 मिनट के वीडियो का वॉच टाइम रहता है सिर्फ 4-5 मिनट, तो कैसे समझेगा। पहले काम खत्म करता हूँ, चीफ ऑफिसर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं। ओके दोस्तों, तो ये है हमारा कार्गो कंट्रोल रूम। टैंक क्लीनिंग चल रही है। टैंक क्लीनिंग बहुत ही स्ट्रेनस जॉब होता है, और ये देख रहे हैं इतने सारे पंप्स चल रहे हैं और इतने सारे वाल्व्स सब फ्लिकर कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा खतरनाक किस्म का काम है ये टैंक क्लीनिंग। अभी ये डायग्राम देखेंगे तो ये सब हमारे पास टैंक्स हैं, यू नो, साइड में बैलेंस टैंक है, ऐसे यू शेप में गया डीबी में, और बीच में हमारे कार्गो टैंक है। हमारे पास 14 कार्गो टैंक है दोस्तों। अब मैं आ चुका हूँ ए डेक में, इसके नीचे अपर डेक, और अपर डेक से आप सीधा जाते हैं तो उस तरफ है हमारा मेन डेक। तो अब हम जाएंगे डेक की तरफ और देखेंगे कि भाई चीफ ऑफिसर क्या क्या काम कर रहा है, कैसे कैसे वॉशिंग कर रहा है। यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस वगैरह बहुत होगा, मगर मेरा रोड वायरलेस माइक। और दूसरी चीज, यहाँ पे आज मैं बिंदास गोप्रो यूज कर सकता हूँ। रीजन ये है कि हमारा ऑलमोस्ट 2 साइकिल वॉशिंग हो चुका है, हमारे टैंक सारे गैस फ्री हो चुके हैं, तो फिलहाल इन दिस कंडीशन हमारा डेक बिल्कुल भी हैजार्डस नहीं है। एंटायर ऑल द कार्गो टैंक्स, स्लॉप टैंक्स, एवरीथिंग इज गैस फ्री। तो मुझे इस वॉयज में ये फ्रीडम है कि मैं बिंदास अपना कैमरा ये यूज कर सकता हूँ। ये हमारा मेन डेक में आफ्ट सेक्शन है। यहाँ पे ये छोटा सा जो रूम आप देख रहे हैं, इसके अंदर हमारा टैंक क्लीनिंग हीटर है। जाएंगे हम उसमें देखने के लिए। कुछ खास देखो आप लोगों को समझाने का कोई पॉइंट नहीं है कौन सी लाइन क्या, बिकॉज इतनी सारी लाइन्स है इसमें ना कि इट इज जस्ट इम्पॉसिबल कि एक वीडियो में बताया जाए, बट जनरल मोटा मोटा हम देखेंगे। अभी जो लास्ट शॉट आपने देखा, मैं यहाँ इस कैटवॉक पे खड़े होकर आपको पाइपलाइन दिखा रहा था। अब मैं आ गया हूँ नीचे मेन डेक पे, और ये रहा हमारा टैंक क्लीनिंग रूम। एक्चुअली मैं वॉइस ओवर ही कर दिया बिकॉज बहुत ज़्यादा आवाज़ थी। और ये है हमारा हीटर का रूम। इस हीटर में है स्टीम का इनलेट रिटर्न एंड वाटर का, मतलब कि बैलेंस्ड वाटर का या सी वाटर का या फ्रेश वाटर का इनलेट एंड रिटर्न। इसके थ्रू पास करके वो पानी गर्म हो जाता है और फिर टैंक क्लीनिंग लाइन में जाता है, तो हमें टैंक्स में गर्म पानी से वॉश करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। और बहुत ज़्यादा नॉइसी है फिलहाल, क्योंकि चीफ ऑफिसर एक्चुअली मैं इसको फुल कैपेसिटी पे यूज़ कर रहा है। ये अबाउट टेम्परेचर हमारा सी वाटर का अबाउट 25-30 है, तो इसको रेस कर देता है अबाउट 95 तक भी रेस कर सकता है। वैसे हम लोग अबाउट 70-75 तक यूज़ कर रहे हैं। ये बाजू में छोटा सा टैंक क्लीनिंग पंप है, ये टैंक क्लीनिंग लाइन के प्रेशर को मस्त बना देता है। अगर एनएक्स वन कार्गो होता, जैसे कि अपना डीजल, पेट्रोल, नाफ्ता, जेट ऑयल, और उसकी वॉशिंग होती, तो वो आप ये NX2 ओवरबोर्ड से सीधा पानी के नीचे नहीं डाल सकते। उसके लिए आपको एक ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग इक्विपमेंट के थ्रू एबव वाटर ओवरबोर्ड से करना पड़ता है, और NX1 का ओवरबोर्ड डिस्चार्ज अलग होता है। आई डोंट नो आप लोग को कुछ भी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ।
अभी इस वीडियो को मैं स्पेसिफिकली टैंक क्लीनिंग का वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, ये वीडियो है हमारा डेक टूर का, तो इसको वैसे ही रखेंगे। ये हमारे पास यहाँ पायलट लैडर के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट दिया हुआ है, ये यहाँ पे हमें इन्होंने न्यूमेटिक ड्रम दिया हुआ है। तो क्या होता है जब हम पायलट लैडर रिग करते हैं, जो पायलट आता है हमारा यहाँ पे, तो जब रिग करते हैं तो हमारे क्रू को इसको उठा के लेके नहीं जाना पड़ता, तीन लोग इतना भारी लैडर को उठा के लटकाना नहीं पड़ता। इस ड्रम से हम न्यूमेटिक से बड़े आराम से इसको लोअर कर देते हैं और लैडर के साथ यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगा देते हैं। ये जो ऊंचे ऊंचे आप देख रहे हो ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं पीवी। ये बने हुए अपने वेंटिंग के लिए, कार्गो टैंक्स को भी सांस लेने की जरूरत है, ऐसा ना हो कि प्रेशर ज्यादा होके वो लोड हो जाए या प्रेशर कम होके वो वैक्यूम हो जाए उस टैंक में, तो उन चीजों को ये कंट्रोल करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला, कार्गो टैंक कॉम्प्रिहेंसिव, वो वीडियो देखेंगे तो उसमें डिटेल में सब कुछ मैंने बताया हुआ है। और ये वीडियो अपना डेक टूर का है तो इसको हम वैसे ही रखते हैं। मिडशिप स्टोर डेक में सामान वामान रखने के लिए दो स्टोर दिए हुए, एक उस तरफ दिया हुआ है, जो आप स्टारबोर्ड साइड का वो जो बड़ा सा स्टोर देख रहे हो वो बेसिकली बैलेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम प्लांट है उसके अंदर, और प्रीटी मच पूरा वही है। ये वाला जो है ये प्रीटी मच मेनली तो ये रिड्यूसर्स रखा हुआ है यहाँ पे। पहले भी आप मेरा अगर बैलेस्ट टैंक इंस्पेक्शन वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने इस स्टोर को आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है। बैलेस्ट पंप हमारे आ गए, ज्यादा नहीं बोलूंगा। डेक में इतनी सारी पाइपलाइन वगैरह देख के घबराओ मत, अगर आप शिप में आओगे काम कर रहे तो धीरे धीरे सब समझ जाओगे। एक अलग अलग सिस्टम सब एक साथ है तो देखने को ऐसा लगता है, बट इतना खतरनाक है नहीं। मैनिफोल्ड पे आएंगे तो ऑब्वियसली सारे कार्गो लाइंस हमारे टैंक से, सारे टैंक से आके मैनिफोल्ड पे ही खत्म होती है ये लाइंस, और एक लाइन से दूसरी लाइन को यूज करने के लिए यहाँ पे क्रॉसओवर है। मिडशिप में हमारे पास क्रेन दिया हुआ है, इसको बोलते हैं होज हैंडलिंग क्रेन। जब हम किनारे में एसटीएस करते हैं या टर्मिनल का भी कोई होज वगैरह होता है जिससे कि कार्गो लोडिंग डिस्चार्जिंग के लिए यहाँ कनेक्ट करना पड़ता है, तो इस क्रेन को यूज किया जाता है। ऑब्वियसली इस क्रेन को स्टोर वगैरह उठाने के लिए भी यूज कर लेते हैं हम लोग, और व्हाटएवर कुछ भी हैवी सामान, ऑल दैट इज यूज्ड दिस क्रेन। और इसी से इसमें रिड्यूसर, अगर ये देखेंगे तो साइज है, अभी ये हमारा 12 इंच का लाइन है, अगर किनारे वाला हमें 8 इंच का कनेक्शन दे या 16 इंच का कनेक्शन दे तो हमें ये सामने वाला रिड्यूसर इसको खोल के चेंज करना पड़ेगा, तो वो सारे काम भी इस क्रेन की हेल्प से होते हैं। ये बड़ा सा देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो करो यार, इंस्टाग्राम आईडी है अपना शिप सेलर सुनील, और उसमें ये तीन फोम पॉइंटर एक साथ चलते हुए मैंने एक पोस्ट डाला था, अच्छा खासा रील बनाया था। तो ये वो फोम मॉन्टर है, अगर डेक में आग वाग लग जाए तो हमारे पास फोम रूम है, उसमें से फोम वगैरह इसमें आता है और वो फिर डेक में यू नो फायर को टैकल कर सकता है। ये इमरजेंसी शावर है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, अगर कोई क्रू के ऊपर हाथ में या उसमें केमिकल लग जाए उसको, और ऐसे भी कोई कार्गो लग जाए, तो वो फटाक से आके यहाँ इसको दबा के ऐसे शावर ले सकता है। कुछ इस तरीके से वो शावर ले सकता है, अगर उसकी आंख में कोई कार्गो चला गया तो वो यहाँ पे अपनी आईज लगा के आई वॉश करके अपनी आँखों को भी क्लीन कर सकता है। ये टैंक डोम नॉर्मली लोडेड में बंद रहते हैं, अभी ये खुले हुए क्योंकि हमें टैंक क्लीनिंग करना है, हमें अंदर बाहर जाना है, और वॉशिंग हो चुकी है, गैस फ्रिंग हो चुका है। अब मैं खड़ा हूँ मिडशिप के जस्ट आगे और ये पोर्ट साइड का व्यू काफी खूबसूरत है। ओके दोस्तों, जो लोग सेलिंग करते हैं उन्हें पता होगा मास्टराइजर क्या होता है, तो इस शिप में जैसे कि इंडिविजुअल टैंक्स के लिए आपको ये पीवी दिया हुआ, और हमारे तो एक टैंक में दो दो पीवी दिए हुए, मतलब प्रेशर वैक्यूम वाल्व। हमारे पास कोई पीवी ब्रेकर नहीं है, इनफैक्ट हमारी मेन आईजी लाइन में ये एक बड़ा सा पीवी दिया हुआ है कि अगर किसी रीजन से सारा सिस्टम कॉमन हो और पीवी वगैरह में प्रॉब्लम आए तो मेन सिस्टम में मेन लाइन से ये पीवी लिफ्ट हो जाए। एज वी वॉक ऑन द डेक आप देखेंगे तो ये अच्छा खासा बना के रखा है, एंटी स्किड चलने के लिए बनाया, बट ये रिकमेंडेड नहीं है, स्पेशली बैड वेदर में, स्लिपरी वेदर में आपको हमेशा केट वॉक यूज करना चाहिए, मगर ऑब्वियसली अगर इधर काम है तो आपको इधर आना ही पड़ेगा। साइड में देखेंगे तो मैनुअल से हमारे बैलेंस टैंक शिप साइड से ऐसे करके नीचे गए, नीचे जाके अंदर ऐसे डीवी हो गए, और बीच में अंदर की साइड हमारा कार्गो टैंक है, तो इसीलिए साइड में देखेंगे तो बैलेंस के वेंट है, बैलेंस का मैनुअल है, जितना भी बैलेंस टैंक का सिस्टम है वो सब इधर ही मिलेगा, साउंडिंग पाइप, ये साइटिंग पोर्ट, सब कुछ आपको इधर ही मिलेगा। ये छोटा सा देख रहे हैं स्कपर बोलते हैं, अगर डेक में बारिश का पानी वानी जमा हो जाए, पोर्ट में हम नहीं चाहते कि तेल जाए, तो पोर्ट में ये स्कपर हमारा बंद रहता है, स्कपर प्लग बोलते हैं इसको। इसके नीचे एक होल है और साइड में वो नीचे जाके बाहर पानी हमारा जाता है, तो इसको हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ओपन करके ड्रेन कर सकते हैं पानी, और जब हमें नहीं चाहिए तो हम इसको बंद करके
रख सकते हैं। ये देखेंगे स्टे वायर, जितने भी लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे होते हैं, इवन ये पीवी देखेंगे तो चारों तरफ इसके वायर लगा हुआ है, ये स्टे वायर देते हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जहाज का इंजन चल रहा होता है, वाइब्रेशन हो रही होती है, तो वो सब चीज़ों में अच्छा सपोर्ट रहता है। यू नो जितने भी हाई राइज चीजें या मास्ट आप देखेंगे सब में स्टे वायर लगेंगे। ये हमारा फिलहाल मिडशिप का मास्ट है, ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, बेसिकली लाइट फिटिंग है बस। अभी ये मेरा है MR टैंकर है, 50,000 डेड वेट का टैंकर, तो देखेंगे तो सारा लाइन वाइन सब कुछ ऊपर है, इवन ये लॉन्जिट्यूडनल्स वगैरह डेक पे दिए हुए। रीजन ये कि उनको कार्गो टैंक के अंदर प्लेन चाहिए, कार्गो टैंक के अंदर कुछ भी नहीं चाहिए, सो दैट यू नो कार्गो वगैरह आराम से लोड हो, स्लिप हो, स्ट्रिपिंग वगैरह इजी हो, टैंक क्लीनिंग वगैरह इजी हो। सो इसीलिए हमारा डेक ऐसा लगता है कि कितना स्ट्रक्चर है भाई, क्योंकि टैंक क्लीनिंग चल रही है, तो टैंक क्लीनिंग का मशीन का कवर खुला हुआ है, मशीन ये निकला हुआ है, तो ये देखेंगे इसमें 3-4 नॉब है, बेसिकली हमारे पास एडजस्टमेंट है कि टैंक क्लीनिंग मशीन को हम कितना तेज चलाना है, किस स्पीड से चलाना है, किस स्पीड से उसके एंगल चेंज करने हैं। तो होता कुछ नहीं है, मशीन प्रोग्रामेबल है, तो ये इनके नॉब के से हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, हमें कौन से एंगल में वॉश करना है, बॉटम वॉश करना है या फुल साइकिल वॉश करना है, तो वो सारी चीजें सेटिंग कर सकते हैं। बेसिकली इस वाल्व को जब खोलते हैं तो पानी इसमें से आता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे इनर्ट गैस, ये IG की लाइन है और ये पोर्ट और स्टारबोर्ड दोनों टैंक में जा रही है। IG मतलब हमें कार्गो टैंक में ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर रखना पड़ता है, स्पेशली जब हम NX1 कार्गो लोड करते हैं तो इंजन रूम से एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट गैस आती है जिसको बोलते हैं इनर्ट गैस, और उसको इस लाइन के थ्रू इस टैंक में डाला जाता है। हमारे पास इस जहाज में आगे 8 लाइन्स है जो ड्रम पे है, और पीछे भी हमारे पास 8 लाइन है जो ड्रम्स पे है। ऑब्वियसली यार ये बर्थिंग के काम आता है। मूरिंग विच का सिस्टम देखेंगे तो बहुत इजी है, इसको बोलते हैं ब्रेक, इसको टाइट कर देने से फिर उसके बाद यू नो ये हिलता नहीं है ड्रम, और यहाँ पे इसको ब्रेक को खोलते हैं, इसको बोलते हैं गियर, और जब इसका पिन निकाल के यहाँ पे हम एंगेज करके, ये हमारा लीवर है, ये हाइड्रोलिक मोटर्स पे चलता है, इसको H लिखा हुआ है, हॉइस्ट स्लैक, तो जब हमें हीव अप करना होता है तो हम इसको इस तरफ करते हैं, हमें जब टर्मिनल में और लाइन देनी होती है तो हम स्लैक करते हैं, इसको आगे की तरफ करते हैं। तो इतना सिंपल सिस्टम है, बेसिकली इसके पास हॉइस्ट स्लैकिंग का लीवर है, यहाँ पे आपका गियर हो गया, यहाँ पे आपका ब्रेक हो गया। अब तो हम ऑलमोस्ट आगे बाव में पहुंच चुके हैं, इसको बोलते हैं फोक्सल डेक। फोक्सल डेक काफी इंटरेस्टिंग एरिया है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे है इमरजेंसी में 6 लोगों का एक लाइफ राफ्ट यहाँ नीचे रखा हुआ है, और क्या है विंचेस बहुत सारे मिलेंगे आपको यहाँ पे, डबल ड्रम्स, मतलब डबल ड्रम तो हर जगह, वहाँ भी सारे ड्रम में दो दो लाइन है, बट यहाँ पे 2 इधर है और 2 उधर है, पोर्ट स्टारबोर्ड, और बीच में बड़ा सा दिख रहा है एंकर। एंकर के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं इसको बोलते हैं इमरजेंसी टोइंग एपरेटस, इसमें किनारे की या शोर से चेन आती है और चेन को यहाँ पे सिक्योर कर दिया जाता है, वो वाला जो सेंट्रल लीड है उससे पास किया जाता है, अगर इमरजेंसी में शिप का पावर और सब फेल हो जाए और उसको टो करना, तो दिस इज द पॉइंट टू टो द शिप। और जब आए तो अच्छा सा व्यू तो एंजॉय करेंगे ही ना भाई। बैलेंस कंडीशन में बल्बस बाव बहुत ही अच्छा क्लियर दिखता है, और पानी को काटते हुए मेरा जहाज जाते जा रहा है, और वेदर देखो कितना मस्त है यार। और भी छोटी मोटी काफी चीजें हैं, इनको बोलते हैं बिट्स, इसके थ्रू हम लाइन को पास करते हैं, इसके ऊपर लाइन सिक्योर करते हैं, लूज रोप को सिक्योर कर सकते हैं, अगर टग ने लाइन दिया तो उसकी लाइन को लाके इसके ऊपर सिक्योर कर सकते हैं, इनको बोलते हैं लीड्स, फेयर रोलर लीड्स, ये घूमते हैं, तो इनसे हमारी नॉर्मली विंच से जो लाइन आती है उसको पास किया जाता है। बोसन स्टोर इस फोक्सल डेक के नीचे एक स्टोर है, ये उसका गुजनेक वेंट है, और इसके नीचे स्टोर के नीचे एक 4 पिक टैंक भी है, बैलेंस टैंक, तो ये उसका वेंट है। ये हो गया हमारा फोक्सल डेक, ये हो गया हमारा दरवाजा स्टोर के लिए, और हम चलते हैं नीचे। ये दो हमारे यहाँ पे चेन लॉकर है, एक ये है और एक ये है, एंकर का अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, एक अलग ही टॉपिक है वो। स्पेयर रस्सियां जो हमारी लूज रोप्स होती है, और स्पेयर सामान एंड स्टोर, वो सारी चीजें इस फोक्सल डेक में, होजेज हो गए हमारी, कार्गो होजेज हो गई, बहुत सारे मशीनरी के इक्विपमेंट हो गए, हमारे हैंड पंप हो गए, एम्बार्केशन लाइट हो गई, थोड़ा बहुत पीपी आगे के लोगों के लिए, 6 लोगों के लिए इमर्शन सूट, लाइफ जैकेट, कि अगर इमरजेंसी में कुछ लोग आगे काम कर रहे हैं तो उनके पास भी रहे और वो किसी रीजन से पीछे ना आ पाए तो, एंड बाकी का बस जनरल हमारे शिप के यूज के सामान है, मोस्टली मूरिंग का सामान यहाँ पे रहता है। अब यहाँ पे ये दो बड़े बड़े आप जो मोटर देख रहे हैं, ये विंच मोटर्स है, बेसिकली ये आगे की हमारी जितने भी 8 मूरिंग विंच के जो ड्रम मैंने आपको डेक पे दिखाए, उनको पावर इन मोटर से मिलता है, इनको कहते हैं हाइड्रोलिक इलेक्ट्रो मोटर, बेसिकली ये इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोलिक सिस्टम है जिससे कि
मोटर को ये पावर देता है। और अब हम स्टोर में एकदम पोर्ट साइड में पीछे कोने की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक ये बेल्ट, यहाँ पे लगा हुआ है अलार्म और इसको टेस्ट किया जाता है। ये इसका पर्पस ये है कि अगर फोर पिक में पानी आ जाए तो वो पानी किसी रीजन से भी आ सकता है, बैड वेदर से आपका डोर बराबर नहीं हो सकता या कोई लीकेज वगैरह कुछ भी, तो वो पानी इस बिल्ज में जाएगा, इसमें से ये फ्लोट उठेगा और हमें अलार्म आएगा। बट दोस्तों बैड वेदर में अगर ये अलार्म आता भी है ना तो क्रू की लाइफ रिस्क मत करो। तो यही वो अलार्म है जो कि यू नो कई बार आ जाता है एंड कैप्टन या सीनियर ऑफिसर्स आपको भेज देते कि भाई जाओ चेक करो, बैड वेदर में भी आपको भेज देते कि चेक करो, बट नहीं भेजना चाहिए नॉर्मली अगर सेफ है, क्योंकि सेफ्टी ऑफ लाइफ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। और एक्सीडेंट हो चुके हैं, चीफ ऑफिसर्स बोसन आए हैं ये अलार्म चेक करने बैड वेदर में और वेव ने मारा है, उठा के पटक दिया, कोई मर गया है, कोई सीरियसली इंजर्ड हो चुका है, तो देखने का भाई क्या सही है। सो भाई अभी वन स्टारबोर्ड टैंक, तो मैं अपना काम खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दबाना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, इसी के साथ स्टे फिट, जय हिंद, आई विल डेफिनेटली सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। अगर बहुत दिल कर रहा है इस टैंक को देखने का तो कार्गो टैंक कॉम्प्रिहेंसिव, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया उसमें अच्छे से पूरा कार्गो टैंक ए टू जेड सब कुछ दिखाया अंदर फिटिंग विटिंग, तो उसको देखो, क्योंकि वापस से शूट करके वीडियो को लंबा करने का कोई पॉइंट तो है नहीं। चलो बाय बाय।